हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या पढ़ रहे रे? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। इसमें कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं रे? जो अभी तक हमने मॉड्यूलस इक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज पढ़े, वही प्रॉब्लम इसमें हो रहे। एक तो इक्वालिटी होंगे या इनइक्वालिटी होंगे। लेकिन देखो भाई, इस ये डायरेक्ट आज कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस है? अरे मुझे ही नहीं समझेगा, मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ, इसे मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। सो इसके पहले मैंने इनइक्वालिटीज टॉपिक पढ़ाया है, उसके 18 वीडियोस हैं, वो देखना। ये इसका 26 वीडियो है, ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा आज। पहला वीडियो देखना, दूसरा वीडियो देखना। वीडियो देखने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्या करना रे? कॉपी पेन लेना, वीडियो देखना, सुनना, लिखना, बार बार रिवाइज करना, तब जाके क्या होता है इसमें समझने का कोई चांस है। एंड एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो कभी भी नहीं देखना। नाउ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटी नहीं है, मॉड्यूलस इक्वालिटी है। सो देखो भाई, हमें क्या दे दिया है रे? व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन दैट, जीटी बोले तो गिवन दैट। ये माइनस को बोला इधर आ जा, देखो भाई मॉड्यूलस का एडिशन है तो उसके अंदर वाले का एडिशन करके देखते, एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा, 1 - 4 - 3 हो जाएगा। इसका एडिशन डायरेक्ट किया तो 2x - 3 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए रे? 5। क्या चाहिए? 5। लगाओ डोका लगाओ, क्या 5 हो सकता है? सी चेक फॉर 1 मिनट। अरे चेक लगाओ। देखो एक तो इसको माइनस लिख दो, 4 - x होगा। देखो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है, देखो मॉड ऑफ x प्लस 1, देखो ये दोनों मॉड पॉसिबिलिटीज हम नहीं लिखेंगे, मॉड x प्लस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 लिख सकते हैं। दिस इज मॉड x माइनस मॉड 1। कोई बोला सर मुझे इसको माइनस लिखना है, लिख के देखो। देखो दोनों को भी करके बताता हूँ, एक इधर लेंगे और मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 4 - x। आपका कन्फ्यूजन ना हो, ये लिया तो भी चलेगा, वो लिया तो भी चलेगा, लेकिन दोनों भी लिया तो नहीं हो सकता है, दोनों में से एक लेना पड़ेगा। देखो दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू दिस इज मॉड ऑफ माइनस 5 इक्वल टू 5। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। कोई बोला सर मुझे ऐसा नहीं वैसा करके बताओ। अरे वैसा करके बताते फर्क क्या पड़ेगा? फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, केवल लिखने में फर्क पड़ता, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन कभी नहीं बदलता। सो देखो ये क्या हुआ रे? मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ 4 - x इक्वल टू एक्स प्लस 1 मॉड ऑफ 5 इक्वल टू 5। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। नाउ यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगाया रे? मॉड ए प्लस मॉड बी
इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्रोवाइडेड ए बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो, ये प्रॉपर्टी लगाया है। तो देखो क्या होगा रे, दिस इज माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस फोर ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या आ सकता है रे, एक्स प्लस वन, फोर माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। एक्स का कोएफिशिएंट प्लस वन होना चाहिए, कितने से मल्टीप्लाई करते रे, मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। क्या होगा रे, माइनस माइनस इज प्लस, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस फोर लेस देन आर इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस फोर। देखो देर वेर टू ऑप्शंस टू कंसीडर, कोई ने इसको माइनस लिया, कोई ने इसको माइनस लिया, लेकिन जनरली जहाँ एक माइनस है उसको उल्टा करके लिखो। समझो दोनों पॉजिटिव होते तो किसी एक को निगेटिव लिखो, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एक्स इज एक्स। देखो इसका भी यही इक्वेशन आया, उसका भी सेम इक्वेशन आया, कन्फ्यूजन होने का जरूरत नहीं। आइदर यू यूज फर्स्ट केस और सेकंड केस। नाउ ये आ गया क्या रे, इनइक्वालिटी। मैं बार बार बोल रहा ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करो। तो बोलो यहाँ जीरोज क्या क्या है, जीरोज आर एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू फोर, दीज आर द जीरोज। यहाँ पोल्स तो है नहीं, तो जीरो को ही क्या बोलेंगे रे हम, जीरो के ही क्या बोलेंगे रे हम, जीरो को ही बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आर व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, माइनस वन कॉमा फोर। देखो ये कहाँ तक जा रहा दीदी, प्लस इन्फिनिटी तक। ये कहाँ तक जा रहा दीदी, माइनस इन्फिनिटी तक। ये दो आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। लेस देन और इक्वल टू है माना, इट इज इंक्लूडेड, इंक्लूड किया तो इट इज डिनोटेड बाय डार्क सर्कल। ठीक है, डार्क सर्कल को जब डिनोट किया, हमें कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए रे, एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू जीरो, बोले तो निगेटिव। विच एक्सप्रेशन इज ए, विच इंटरवल इज हैविंग निगेटिव साइन, दिस इज देयर फोर। व्हाट इज देयर फोर, देयर फोर सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स इज एक्स बिलोंगिंग टू, ओपन होगा क्लोज होगा, इट इज क्लोज्ड, क्योंकि दोनों में भी डार्क सर्कल है। समझा रहे पक्का? सो वी आर सॉल्विंग मॉड्यूलस इक्वालिटीज बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर टू, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू थ्री इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस टू। पहले भी मॉड्यूलस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा भी मॉड्यूलस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या किया जाए, किसी एक को उल्टा लिखा जाए। क्या लिखते रहे, देखो भाई
देन फाइंड सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स। अपने को मालूम है डब्ल्यू के टी बोले तो वी नो दैट मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी क्वामा ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स। बराबर, इसको उल्टा लिखो या इसको उल्टा लिखो, बोलो भाई, बोलो ना किसको उल्टा लिखते, पहले को बार पहले को लिखेंगे। अपने को क्या रे, आप बोलेंगे उसमें हम लिखेंगे माइनस एट का प्लस एट माइनस टू एक्स का प्लस टू एक्स इट इज माइनस एक्स स्क्वायर। देखो गिवन दैट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एट, देखो वैल्यूज को, अरे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा देंगे, क्या हो गया एट प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस टू, एक्स स्क्वायर कट गया टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स, एट माइनस टू सिक्स, थ्री को कॉमन ले लिया मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। नाउ दिया हुआ इक्वेशन एज इट इज कंडीशन में नहीं सेटिस्फाई हुआ, एज इट इज सेटिस्फाई हुआ नहीं, इसको उल्टा लेके सेटिस्फाई हुआ। सो ये कब पॉसिबल होगा रे, बोलो भाई ये कब पॉसिबल होगा रे, जब 8 प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू जीरो होगा। चेक, क्या हमने सही लिखा है, बोलो क्या ये लेके ये और ये लेके होगा, नहीं इसका उल्टा ले लिया हमने, इसका उल्टा और ये दोनों मिला के क्या हुआ रे, आर एच एस सेटिस्फाई हुआ, तो ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। सो क्या किया जाए, अरे बोलो क्या किया जाए, बोलो। नाउ ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है ना, किसी ने यदि ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लिया तो उसका बाजा बज गया, ये दोनों का एडिशन करके हमें आर एच एस नहीं मिल रहा है, किसका एडिशन करके आर एच एस मिल रहा है, एक तो इसका उल्टा ले लो नहीं तो इसका उल्टा ले लो, दोनों में से किसी एक का उल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय माइनस, सो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या होगा दीदी देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो, हमें क्या मिले रे, हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे पाड़ते रे, बोलो प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म। तो चेक करो इसके फैक्टर पढ़ रहे क्या, ठीक है कैसे पढ़ने के, क्रॉस एक्स स्क्वायर बोले तो एक्स इंटू एक्स दिस इज माइनस एट फोर इंटू माइनस टू, इसका देखो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स टू इंटू वन, देखो प्रोडक्ट होना माइनस एट एडिशन होना माइनस टू, प्रोडक्ट माइनस
ये दो को माइनस दिया तो भी चलेगा, 4 × −2 − 8 आएगा, लेकिन 4 − 2 = 2 आएगा और हमें −2 चाहिए, इसीलिए किसको माइनस दिया रे, 4 को माइनस दिया। सो एडिशन +1 चाहिए और प्रोडक्ट −2 चाहिए, तो किसको देंगे रे, 1 को माइनस देंगे। चेक, 2 × −1 = −2, 2 − 1 = 1। सो क्या क्या फैक्टर पड़े रे, x − 4, x + 2, इसके क्या क्या फैक्टर पड़े रे, x + 2, x − 1 < or = 0। अरे हाँ ना, यस, x + 2 × x + 2 दीदी, x + 2 का स्क्वायर x − 1 > or = 0। देखो व्हाट आर द जीरोज, देखो x = 0 are x = 1 and 4, 0 of order 2 is x = −2। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटीज को देखो, जब तक इनइक्वालिटीज में मास्टर नहीं बनोगे तब तक मॉड्यूलस का मॉड्यूलस पल्ले नहीं पड़ेगा, और मॉड्यूलस पल्ले नहीं पड़ा तो आगे वाला यूनिट है लॉगरिथम, और ये तीनों भी बहुत बहुत बेसिक यूनिट्स है, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस एंड लॉगरिथम, ये तीन यूनिट यदि बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए तो समझने का ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस एंड थर्ड वन वेक्टर्स 3D में आप मास्टर बन गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अपने खुद के फंटे होते हैं, ठीक है। नाउ देखो अभी क्या किया जाए, क्रिटिकल पॉइंट्स आर, देखो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, x = −2, 1, 4, सो व्हाट इज द इनइक्वालिटी, < or = 0 है, ये चलेगा इन्फिनिटी तक, ये चलेगा माइनस इन्फिनिटी तक, डार्क सर्कल से डिनोट करेंगे क्योंकि ठीक है। नाउ इसका हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट है 4, उसके राइट में आएगा पॉजिटिव। नाउ x = 4 का पावर कितना है रे, 1। अगेन नॉलेज ऑफ इनइक्वालिटीज रिक्वायर्ड, पावर ऑड है तो अपोजिट साइन लेना, x - 1 का पावर ऑड है तो अपोजिट साइन लेना, x + 2 का पावर इवन है इसीलिए सेम साइन, अरे सेम साइन ले ले ले, क्या बोला, सेम साइन ले, बराबर, अरे हाँ ना, हाँ। तो देखो < or = है तो विच इंटरवल इज टेकन, इंटरवल वेयर एक्सप्रेशन बिकम्स निगेटिव, एंड देखो जब इक्वालिटी का पावर, सॉरी जीरोज का पावर इवन आता है, वो जीरो को चेक करना, x = −2 है, यदि हमने इसमें −2 पुट किया तो something × 0, 0 = 0 आ गया। सो सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स इज सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ
x is x belonging to 1, 2, 4 union. So 1, 2, 4 में जितने भी x के values होंगे इसमें पुट करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू जीरो आएगा, और ये केवल अकेला पॉइंट, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है अकेला पॉइंट। बोलो क्या बोला? कर्ली ब्रैकेट का मतलब अकेला पॉइंट, कर्ली ब्रैकेट का मतलब अकेला पॉइंट। दिस इज द सॉल्यूशन सेट प्रोवाइडेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मॉड्यूलस का एडिशन दिया था, बराबर है। अभी पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी के दिमाग से आया होगा, सर मॉड्यूलस के अंदर डिवीजन लिया तो ले, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, टेंशन मत ले। द नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, नंबर ऑफ इंटीजर्स बोले तो एक्स के ऐसे कौन से इंटीग्रल वैल्यूज है जिसके कारण इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। 5, 4, 6, 7 क्या है वो हमें बताना है। सॉल्यूशन, वी नो दैट मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। दोनों का एडिशन किया, एक्स 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 स्क्वेयर आ गया, एक्स स्क्वेयर के साथ माइनस एक्स स्क्वेयर चला गया और ये 4/x आ गया। सो इसी किसी को ना चेंज करते हुए सेटिस्फाई हो रहा है। देखो चेक, मॉड एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 - x² / x, इसका तिरपा गुणाकार करेंगे, x² + 4 - x² / x, ये चला गया, दिस इज 4/x। नाउ इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, लेकिन RHS में 4/x है, 4/x, x बिकम्स पोल ऑफ द फंक्शन। जहाँ डिनोमिनेटर जीरो होता है उसको पोल बोला जाता है। देन क्या होगा, x इंटू 4 - x² / x, एक्स एक्स कट गया, 4 - x², सो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे रे, मल्टीप्लाई बाय -1। सो x² - 4 लेस देन और इक्वल टू जीरो, x - 2, x + 2, जीरोज ऑफ द फंक्शन, इज x = 2 एंड x = -2। देखो यहाँ चलते चलते बच्चे लोग गड़बड़ क्या करते हैं वो देख लेना। व्हाट आर द, सो इसको मिटा दूँ, मिटा देता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स आर, x = -2, x = 2, दोनों भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि, अरे क्योंकि क्योंकि बोलो बोलो ना। देखो भाई -2, 2, 2 के बीच में जीरो आता है, अरे आता ही क्या नहीं, लेकिन यहाँ यदि हमने जीरो पुट किया तो 4/0 इन्फिनिटी हो रहा है, 4/0 इन्फिनिटी हो रहा है। सो जब फंक्शन इन्फाइनाइट हो रहा है
तो उसका कुछ फायदा नहीं. सो व्हाट आर द इंटीग्रल वैल्यूज? सो एक्सप्रेशन है लेस देन इक्वल टू जीरो, सो निगेटिव इंटरवल इज टेकन. ठीक है, मिटा दूँ. सो जनरली सभी लोग देखो सोल्यूशन सेट लिखते हैं. सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स इज क्या ये करेक्ट सेट ऑफ सोल्यूशन है? क्या ये करेक्ट सेट ऑफ सोल्यूशन है? करेक्ट सेट ऑफ सोल्यूशन का मतलब होता है इसके बीच में जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा हमारा, कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा. माइनस टू 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 के बीच में ज़ीरो आता है, और यदि हमने यहाँ एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो प्रॉब्लम की वाट लग गई. इसीलिए हमने क्या कर दिया रे, माइनस कर ली ज़ीरो. और मैंने पिछले प्रॉब्लम में बोला था कर्ली ब्रैकेट में जो भी कुछ नंबर लिया जाता है यूनियन के साथ होगा तो ऐड किया जाएगा, और सब्सट्रैक्शन के साथ होगा तो यदि वो प्रॉब्लम वो नंबर इंटरवल में नहीं लेना है तो उसको सब्सट्रैक्ट करना है. एंड बोलो हमें क्या पूछा रे, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स आर माइनस टू माइनस वन वन टू. माइनस टू 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 में जीरो आता है लेकिन जीरो को माइनस किया, देयरफॉर देयर आर फोर इंटीग्रल सॉल्यूशंस. देयर आर इन ऑल टोटल फोर इंटीग्रल सॉल्यूशंस. समझ में आया? यहाँ केवल इतना ही समझना, बाकी तो सब पंचेट था. माइनस कर्ली ब्रैकेट में ज़ीरो क्यों किया? क्योंकि ज़ीरो पे इक्वेशन इनफाइनाइट होता है, दैट इज़ व्हाट पोल ऑफ द फंक्शन. ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. तब तक के लिए आयुष थैंक्स.